आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में ग्रोथ मॉनिटरिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। और जैसे कि इस माह यानी जून माह का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आ चुका है कि किन सेविकाओं द्वारा कितना ग्रोथ मॉनिटरिंग किया गया है और जिनके द्वारा अभी तक ग्रोथ मॉनिटरिंग पेंडिंग है यानी कि बच्चों का एक भी ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं हुआ है, उनके साथ आगे क्या होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ग्रोथ रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, उससे पहले आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग से संबंधित कुछ जानकारियाँ देते चल रहे हैं। जैसा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें कब से कब तक करनी चाहिए, इसका वीडियो हमने कल एक अपलोड किया था जिसमें पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें कब करनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर से आपको इस वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आप लोग जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो अभी एक दो दिनों का जो समय है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग आप लोग कंप्लीट कर सकें। देखिए, आप लोगों को हर माह 1 से लेकर 7 तारीख के बीच ग्रोथ मॉनिटरिंग करने का विभागीय आदेश है, लेकिन कई सेविकाएँ हैं जो ग्रोथ मॉनिटरिंग करने पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही हैं, तो उनके साथ क्या होगा आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने 1 से लेकर 7 तारीख के बीच ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लिया है तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड है उस रिपोर्ट कार्ड में आपका 100% जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का चार्ट है वो दिखाएगा कि आपने 100% कर लिया है, ठीक है। और अगर अभी भी आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग पूरा नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए एक दो दिनों का समय और है, जैसे कि 10 तारीख के अंदर आप लोगों को ग्रोथ मॉनिटरिंग जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए, पोषण ट्रैकर ऐप में अब पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ग्रोथ मॉनिटरिंग करना। पहले हम लोग बेनिफिशरी की कैटेगरी में जाके बारी बारी से जितने बच्चे थे उन नाम के ऊपर 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक करके फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग आसानी से एक ही जगह से ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हालाँकि आप लोग यहाँ से भी जाके ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डैशबोर्ड दिया गया है आपके होम पेज पर, यहाँ पर आप डैशबोर्ड को खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पर आएँगे ग्रोथ मॉनिटरिंग। जैसा आप लोग देख रहे हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग जून 2023 का यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग आपका शो कर रहा है और यहाँ पे कितना पेंडिंग है और कितना आपने कंप्लीट कर लिया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई होती है। तो आप लोग यहीं से आसानी से हर बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए आप इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद जितने भी बच्चों का यहाँ पे पेंडिंग में रहेगा वो सभी आपका खुल के आ जाएगा और यहीं से आप लोग बारी बारी से सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि मेजरमेंट आसानी से कर पाएंगे। देखिए, हमें किसी भी बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग छोड़ना नहीं है, हर महीने हर बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेना है ताकि विभागीय जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग शो हो जाए और आप लोगों का जो इंसेंटिव बनता है वो आसानी से आप लोगों को मिल जाए। और देखिए, एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पिछले वीडियो में भी बताया था कि ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें एक ही बार में सभी बच्चों का नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में 108 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, तो आप एक टारगेट लेके चलिए, उन टारगेट को 7 दिनों में कंप्लीट करना है। जैसे कि 100 बच्चे हैं तो 15 बच्चे, 16 बच्चे या 17 बच्चे, ऐसे करके आप लोग आपका 1 से लेकर 7 तारीख के बीच वो सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करिए। और कई सेविकाओं का कमेंट भी आ रहा था हमारे पिछले वीडियो में कि ग्रोथ मॉनिटरिंग हम लोग करने जा रहे हैं तो हमारा जो प्रीवियस रीडिंग है वो मई का नहीं दिखा रहा है बल्कि अप्रैल का ही दिखा रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब आपका सर्वर पे जो डाटा है वो अपलोड नहीं हुआ रहता है, तो इस कारण से आपका प्रीवियस रीडिंग ही दिखाता है। लेकिन आप लोग हर महीने ग्रोथ मॉनिटरिंग कीजिए, अभी आप लोग जो ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे तो उसका डाटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग 1 से लेकर 7 तारीख के बीच जो भी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं रिपोर्ट कार्ड की ओर। यहाँ पे हमने इस माह यानी जून माह का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमें प्राप्त हो चुका है। ये हमारे परियोजना का रिपोर्ट कार्ड है। आप लोग के अलग अलग परियोजना में जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाटा ऑपरेटर हैं उनके द्वारा भेजा गया होगा, आप लोग अपने ग्रुप में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इस प्रकार से जो ग्रोथ मॉनिटरिंग का डाटा है वो भेजा गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं
कि देखिए अभी भी बहुत सारी ऐसी सेविका बहन हैं जिनका ग्रोथ मॉनिटरिंग एक भी नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे 00 यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे कुछ ही सेविकाएं हैं जो अपना 100% की हैं और कुछ सेविकाएं हैं जो 98% की हैं। देखिए आपको मैं बताते चलूँ कि कम से कम आपका जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो 80% से ऊपर होना चाहिए। 80% से नीचे आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग रहेगा तो आपका जो इंसेंटिव है वो नहीं बनेगा और ऊपर से विभागीय दबाव आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप लोग हर बार हर महीने 80% से ऊपर अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग रखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन सेविकाओं ने अभी तक एक भी ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं की है उनके ऊपर सोकस निकल सकता है, उनसे सवाल जवाब हो सकता है कि आपने क्यों अभी तक एक भी ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टर वाइज जो है वो आपका यहाँ पे डिवीज़न बांटा गया है इस पीडीएफ में कि किस सेक्टर में कितना कितना काम हुआ है। तो देखिए हर सेक्टर का अलग अलग यहाँ पे ग्रोथ चार्ट दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने अपने जो परियोजना है वहाँ पे इसका ग्रोथ रिपोर्ट मांग सकते हैं अपने डाटा ऑपरेटर से, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे और अपना स्टेटस वहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास एक दो दिनों का जो समय है उसमें आप लोग 100% अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग कम्प्लीट कीजिए और आगे से आप लोग 1 से लेकर 7 तारीख के बीच ग्रोथ मॉनिटरिंग कम्प्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।